हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड कास्ट। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ओला की नई लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक स्कूटी। दोस्तों ये बहुत ही शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटी है जो कि आज ही 15 अगस्त के दिन लॉन्च हुई है। आज ही दोपहर में इसका लॉन्च इवेंट हुआ है। दोस्तों ये बहुत ही शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिनके फीचर अभी आप कुछ देर में जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप में से कुछ नहीं तो 50-60% लोग ये वीडियो देख के, हम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे वो वीडियो देख के आप ये स्कूटी को लेने का विचार जरूर करेंगे। आगे की जानकारी के लिए मैं ओला विशेषज्ञ श्री धर्मेश पांडे जी को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने खुद ने ओला की स्कूटी को बुक की है। ऐसे हम कोई आदमी को नहीं बुला रहे हैं, इन्होंने खुद 500 रुपये दे के बुकिंग रुपीज़ दे के इन्होंने ओला की स्कूटी को बुक किया है। चलिए आप उन्हें जानते हैं। धर्मेश जी धन्यवाद उत्कर्ष जी। हमने ओला की स्कूटी बुक की है। इसके फीचर बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैंने पूरा इवेंट लाइव देखा। भवेश अग्रवाल जी जो बता रहे थे इसमें सबसे फीचर और बहुत सारे फीचर हैं। वैसे तो इसमें आप म्यूजिक भी चला सकते हैं जो नॉर्मल हम नहीं चला सकते, और इसमें बहुत तरह के मोड्स हैं, जैसे थीम अलग अलग बदल सकते हैं, पुराना नया और नाइट्रो जैसा भी, जैसे अपन बुलेट का आवाज़ या कोई भी चीज़ का आवाज़ हम चाहे तो ऐसा हम आवाज़ उसमें डाल सकते हैं। और इसका स्क्रीन जो है वो 7 इंच का बहुत बड़ा स्क्रीन है दोस्तों। इसमें 4G वाईफाई और बहुत सारे फीचर हैं, जैसे आपको उसके लिए की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बता देंगे। जैसे वीडियो में भवेश जी का बिना की के हे भवेश करके बोला, और जैसे कि जानकारी पता चले कि पूरे भारत में 12% पॉपुलेशन के पास बस 2-व्हीलर है, और जो बाकी 2-व्हीलर लेने वाले हैं उनसे आग्रह है कि वो ओला के लिए बहुत अच्छे स्कूटी है। आज वीडियो लिंक हम दे रहे हैं उनको, उसको देख लीजिएगा। और इसमें सबसे जो मज़ेदार फीचर लगा दोस्तों वो यह है कि जैसे मुझे उत्कर्ष जी को स्कूटी देना है और मैं चाहता हूँ कि 40 से ज़्यादा ना भगाए, ना गाना सुने, ना कुछ करे, उसमें उस फीचर के हिसाब से मैं एडजस्ट करके कोई भी फ़ोन के द्वारा कंट्रोल करके दे सकता हूँ, तो उत्कर्ष जी उससे ज़्यादा नहीं भगा पाएंगे और मेरा ज़्यादा बैटरी भी यूज़ नहीं होगा। और इसका जो सर्विस है दोस्तों वो घर ही में होगा, डिलीवरी भी घर में होगा, और इसमें आप लोकेशन पता कर सकते हैं कि आपका स्कूटी कहाँ, गूगल मैप से आपको कहाँ जाना है वो स्क्रीन में बताते रहेगा। और इसमें हे ओला करके फीचर, जैसे अपने में गूगल का ऐसा फीचर होता है उसी प्रकार का फीचर है। इसमें कॉल उठाने के लिए या कॉल करने के लिए या आवाज़ बढ़ाने के लिए म्यूजिक का हर तरह का चीज़ आप कर सकते हैं। और इसमें एक क्रूज कंट्रोल है, जैसे अपने वगैरह रहता है उसी प्रकार से, जैसे आपको स्पीड 40 में ही रखना है तो 40 में ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे अपने कार वगैरह में रहता है तो आप 3-4 दोस्त हैं तो 40 में रख के तीनों एक साथ घूम भी सकते हैं आजू बाजू करके, जैसे अपन घूमते हैं। और इसमें 2 हेलमेट दिए जाएंगे वो भी फ्री में, और इसका बूट स्पेस बहुत बड़ा है दोस्तों। उसमें 2 हेलमेट्स और एक छोटा बच्चा आराम से उसके अंदर आप रख सकते हैं। और क्या बोलते हैं, जैसे इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 6 घंटे का है दोस्तों। उस 6 घंटे में आपका चार्जिंग हो जाएगा, फ़ोन में अलर्ट दिया जाएगा कि कितना चार्जिंग है, आपको कहाँ जाना है, कितने समय, जो अलर्ट आप लगाना चाहते हैं वैसा लगा सकते हैं। और जैसे आप हमारे पुराने गाड़ी में रहे स्पीडोमीटर वगैरह रहता है, अगर तो आपको वैसा थीम चाहिए तो वैसा थीम भी रहेगा। रिवर्स जैसे करना है तो उसी से रिवर्स भी हो जाएगा दोस्तों एक बटन के द्वारा। और इसका जो स्क्रीन है वो बहुत ब्राइट है, मतलब जैसे धूप में भी हमको स्पष्ट दिखेगा कि स्क्रीन में क्या दिख रहा है। और इस पर जो डिलीवरी है वो अक्टूबर में शुरू होगा और सितंबर में हम पैसा दे सकते हैं। अभी प्री बुकिंग अभी भी चल रहा है, आप 499 दे के सितंबर तक प्री बुकिंग कर सकते हैं, मैंने किया है और मुझे चाह है कि मैं स्कूटी लूँ। और इसको आप EMI में भी ले सकते हैं दोस्तों, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC और ऐसे कई बैंकों के साथ उन्होंने करार किया है, उससे आप ले सकते हैं। और इसकी सबसे ख़राब जो बात लगी बस ये कि इसका जो डिलीवरी टाइम है और जो बुकिंग टाइम है बहुत लेट रहा है दोस्तों। इसे तो हमारे ख्याल से कुछ जल्दी तो करना ही था, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। और जैसे Tier 3 सिटी है वहाँ पहुँचने में तो मेरे ख्याल से नवंबर से दिसंबर का भी समय लग सकता है दोस्तों। और इसमें जैसे हम लोग साल में कम से कम मेरे ख्याल से हर महीने 1000 किलोमीटर का रन करते ही होंगे, साल में 12000 किलोमीटर का। और एक स्टैट्स के हिसाब से हम पूरे साल में सिर्फ स्कूटी और बाइक से ही 12000 करोड़ लीटर का पेट्रोल हम यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी होने के कारण हमारा जो क्या बोलते हैं कॉस्ट है कहीं भी जाने को बहुत कम हो जाएगा, और उसका उस कॉस्ट जो बच रहा है उसको हम अपने कपड़े और खाने पीने में भी उपयोग कर सकते हैं।
और इस स्कूटी का स्टाइल भी बहुत अच्छा है दोस्तों। और इसी प्रकार इलेक्ट्रिक स्कूटी ही और इलेक्ट्रिक कार ये सब हमारा भविष्य है, तो इसके बारे में आप जरूर विचार करें, हमारा विचार है इसको लेने का। धन्यवाद। और इसका प्राइस जो है वो अनबीटेबल, बहुत अच्छा प्राइस दिया है। और फेम टू का जो सरकारों द्वारा जो पैसा कम किया जाएगा वैसा हमारे छत्तीसगढ़ में भी हो ऐसा आशा है, तो जो प्राइस है उसके बारे में स्पष्ट तौर पर उत्कर्ष जी हमें बताने वाले हैं। बताइए उत्कर्ष जी। तो दोस्तों धर्मेश पांडे जी ने बहुत ही तेज गति से हमें ये फीचर्स के बारे में बताया है। दोस्तों एक ब्रेथलेस गाना आया था शंकर महादेवन जी का, जो आपने जरूर सुना होगा। और दूसरे हमारे धर्मेश पांडे जी है, जिन्होंने बहुत ही तेज गति से बिना ज़्यादा सांस लिए बीच में पॉज ले हुए बोला है। तो दोस्तों धर्मेश पांडे जी ने बहुत अच्छे से बताया, जो कि ओला की इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो बहुत ही शानदार है, नई है, इलेक्ट्रिक है। दोस्तों अब देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही ज़्यादा चलेंगी, तो आप भी प्रयास करें कि इलेक्ट्रिक गाड़ी ही लें। दोस्तों अब हम आते हैं इसकी ये वीडियो की सबसे मेन कड़ी में, जो कि है इसकी प्राइस। दोस्तों सबसे मेन चीज़ किसी भी प्रोडक्ट की होती है वो होती है प्राइस। दोस्तों तो ओला दो वेरिएंट में आती है, एक आती है ओला S1 और आती है एक ओला S2 Pro। दोस्तों ये मोबाइल कंपनी से इंस्पायर हुआ है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मोबाइल में प्रो, अल्ट्रा, मैक्स ये क्या क्या वेरियंट आते हैं वैसे ही। तो दोस्तों 0 to 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में पहुंचने के लिए इसको लगभग 3.6 सेकंड लगेंगे। दोस्तों एक चार्ज करने में, फुल टाइम चार्ज करने में ये लगभग 121 किलोमीटर तक चल सकती है, जो कि 6 घंटा लगते हैं दोस्तों इसको फुल्ली चार्ज होने में घर में। और अगर आप ओला के सेंटर में आएंगे तो लगभग आधा घंटा लगेगा आधा चार्ज होने में, 50% चार्ज होने में। तो घर में ही चार्ज करें, 6 घंटा लगेंगे और 121 किलोमीटर तक की ये माइलेज आपको दे देती है S1 की। अब दोस्तों S1 Pro की अपन स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। इसकी रेंज लगभग 181 किलोमीटर है, S1 की 121 थी, इसकी 181 है। पैसा भी ज़्यादा ले रहे हैं तो थोड़ा फीचर भी ज़्यादा रहे हैं। इसकी स्पीड 115 किलोमीटर प्रति घंटा की है, S1 की 90 किलोमीटर प्रति घंटा की है। फिर से वही बोलूँगा, पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, फीचर भी थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि पैसा ले रहे हैं तो कुछ तो देंगे। दोस्तों आइए हम फिर से एक बार इसके प्राइस जान लेते हैं। S1, S2 इसके, S2 Pro इसके वेरिएंट हैं। S1 Pro की प्राइस है 99,999 रुपये, S1 Pro की प्राइस है 1,29,999 रुपये। इसमें कुछ राज्यों में आपको सब्सिडी भी मिलेगी, जैसे हमारे पास दो राज्यों के टैक्स आए हैं। गुजरात में आपको S1 मिलेगी लगभग 80,000 में और S1 Pro मिलेगी आपको 1,09,999 रुपये में। दोस्तों दिल्ली में इसकी प्राइस है, S1 की प्राइस है जो कि बेस वेरिएंट है 85,000 रुपये है, S1 Pro की प्राइस है 1,10,149 रुपये। दोस्तों आप देख रहे होंगे गुजरात में थोड़ा सस्ता मिल रहा है, क्योंकि वहाँ की सरकार थोड़ा राशि, प्रोत्साहन राशि ज़्यादा देती है इलेक्ट्रिक के लिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।